मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको शो कर रहा हूँ ये 1 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। ये इसका सेफ्टी डोर है और ये इसका मेन डोर है और सामने आप देख सकते हैं टीवी यूनिट फिक्स है। और इसमें इसकी एक ब्यूटीफुल बात ये है कि आप देखें तो सारे रूम्स में बालकनी दिया हुआ है। ये इसका हॉल है, लिविंग डाइनिंग एरिया है और ये बिल्डिंग का नाम है आकृति हपटाउन गार्डनिया और लोकेशन ये मीरा रोड ईस्ट में है। अभी मैं नीचे दिखाता हूँ, आगे दिखाता हूँ पूरा फ्लैट। फिर इसके साथ में एक डेडिकेटेड स्टिल्ट ओपन पार्किंग भी है जिसकी वैल्यू लगभग 4.5 लाख रुपए की है। ये इसका डाइनिंग एरिया है और मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। ऊपर इसका वाटर टैंक का स्पेस, एक्स्ट्रा लगेज का स्पेस और ये इसका देख सकते हैं आप इंडियन टॉयलेट के साथ में फर्स्ट कॉमन वॉशरूम है। और इसे थोड़ा आगे जाते ही आपको किचन मिलता है जो मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स सब कुछ बना हुआ है। सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। इसके बाद बाहर इसमें भी आप देखें तो एक अच्छा ठीक ठाक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रखा हुआ है तो यहाँ पे HDs वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, गैस पाइपलाइन वगैरह, एक्स्ट्रा वाटर स्टोरेज भी दिया हुआ है। अभी मैं इसका बेडरूम दिखाता हूँ। प्राइजिंग काफ़ी इसका अट्रैक्टिव है। एक डेडिकेटेड स्टील टू ओपन पार्किंग है प्लस 1 BHK का फ्लैट है और ये फर्नीचर है। ये पार्किंग के साथ आपको 70 लाख तक देंगे। थोड़ा बहुत हम बात कर सकते हैं नेगोशिएशन का अगर वो करें तो। वैसे तो बात हुई है कि फ़िक्स प्राइस ही है इसका। ये इसका मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आप देखें तो सामने आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिलता है। और अभी मैं आगे, ये इसका बेड और सीलिंग वगैरह में POP किया हुआ है। LED चालू करो। और इसमें भी देखें आपको ये 2 से 2.5 फुट की बालकनी मिल रहा है। इसको आप कवर करके एक्सटेंड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने बेडरूम बड़ा किया है इसको एक्सटेंड करके। दिशा इसकी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। मैं बात करूं तो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है इसका। सामने ये कवर्ड बना हुआ है और बेड भी इसका फिक्स है। तो ये फर्नीचर जो फिक्स है वो रहने वाला है और कुछ जो मूविंग फर्नीचर जो एक्स्ट्रा कवर्ड वगैरह है वो ये लेके जाएंगे। ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो कवर्ड है ये लेके जाएंगे। साढ़े 450 स्क्वायर फुट कारपेट अप्रॉक्स है ये फ्लैट। 15-15 माले का टावर है, 9 टावर का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। आकृति डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है हपटाउन गार्डनिया। एक फ्लोर पे टोटल 8 फ्लैट है और 2 लिफ्ट दिया हुआ है। बाहर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम वगैरह सारा कुछ फैसिलिटीज़ इसमें दिया हुआ है। और भी मैं आगे डिटेल आपको बताता हूँ। फ्लैट है ये आकृति हपटाउन गार्डनिया, मीरा रोड का सबसे खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है ये। आप देखें तो 9 विंग्स हैं इसमें, 9 बिल्डिंग्स हैं और लगभग इसमें 980 फ्लैट है। ये मेन रोड है जहाँ से आप आकृति हपटाउन गार्डनिया में एंट्री करते हैं। सामने देख सकते हैं वेजिटेबल के लिए 2-3 ठेले वाले खड़े हैं और ये इसका मेन एंट्रेंस और ये एग्जिट गेट है इसका। यहाँ से डीमार्ट का भी आपको बोर्ड दिख रहा है, डीमार्ट वगैरह, सुपर स्टोर वगैरह बिल्डिंग के सब नीचे ही है। 2 गेट है इसका, एक एंट्री का और एक एग्जिट का। ये इसका पूरा पार्किंग एरिया है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया ओपन स्पेस दिया है यहाँ पे बिल्डर ने। बिल्डर चाहते तो इसमें
चार से पांच बिल्डिंग और भी बना सकते थे, बट उनका कुछ सिस्टम ऐसा है कंस्ट्रक्शन का, ये आकृति बिल्डर हैं, अंधेरी के बिल्डर हैं ये, इन्होंने मीरारोड में ये पूरे 5 एकड़ में डेवलप किया है। ये पूरा इसका पार्किंग स्पेस है, बीच में जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है हेजल का, इस तरह से इसमें 9 विंग्स हैं टोटल आकृति में, और पूरा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिस तरह से बिल्डर ने दिया था। सोसाइटी भी काफ़ी बढ़िया सोसाइटी है, सोसाइटी भी उसी तरह से मेंटेन करके रखी है, अपना एक वैल्यू प्रॉपर्टी का बन जाता है या बना रहता है जो सोसाइटी पूरी तरह से मेंटेन रहती है। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बिल्डर तो बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिम्नाशियम वगैरह बना के देते हैं, लेकिन बाद में सोसाइटी अगर प्रॉपर नहीं होती है, मैनेज नहीं कर पाती है, तो उस कॉम्प्लेक्स का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो इस मामले में हफ्टाउन गार्डनिया नंबर 1 पे है, काफ़ी बढ़िया मेंटेन रखा है सोसाइटी ने। अभी एंट्रेंस लॉबी देखने के बाद हम देखते हैं कि फ्लैट किस टाइप का है, फुली फर्निश्ड करीबन। ये क्लब हाउस के अंदर भी देखें तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने प्रोविज़न किया है। ये पूरा क्लब हाउस की बिल्डिंग है, चारों तरफ से 9 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है ये, बीच में क्लब हाउस बनाया हुआ है। आइए क्लब हाउस को अंदर से देखते हैं कि किस टाइप का है। क्लब हाउस में 3 बड़े बैंक्वेट्स हॉल हैं, जहाँ पे आप 400 से 500 लोगों का और भी ज़्यादा लोगों को एक साथ आप कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे बर्थडे, मैरिज, सब कुछ भी बड़े फंक्शन जहाँ 500-700 लोगों का भी प्रोग्राम आप साथ में कर सकते हैं। इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल दिया है इन्होंने। एक तो ये फर्स्ट बैंक्वेट हॉल है, दूसरा इसमें कुछ टेबल टेनिस वगैरह रखे हुए हैं, इन फ्यूचर इसका कई बार एज ए बैंक्वेट हॉल भी इसका इस्तेमाल किया गया है। ये इसका तीसरा बैंक्वेट हॉल है, जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो ये तीनों को एक साथ कर दिया जाता है, और बिल्कुल जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ही रीजनेबल इसका रेंट लिया जाता है। ये 3 तो बैंक्वेट हॉल हैं इस क्लब हाउस में। उसके बाद हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर 2 पार्टी हॉल है और एक बड़ा जिम्नाशियम है, उसके ऊपर फिर टेरेस दिया है इन्होंने। टेरेस अभी खुला नहीं होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का प्रोविजन है, इंतजाम किया हुआ है जो, और ये इसका पार्टी हॉल है, 2 पार्टी हॉल ऐसा 400-400 स्क्वायर फुट का कारपेट का है। बंद होने के कारण मैं आपको कैमरे से बाहर से दिखा रहा हूँ। और ये इसका जिम्नाशियम है, जिम में भी आप देखें तो सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और कुछ लोग कार्डियो जिम कर भी रहे हैं। ये क्लब हाउस का वॉशरूम है और जैक्यूजी रूम्स हैं। सोसाइटी काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, यहाँ से फ्लैट परचेस करने के बाद आपको कहीं जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्लब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्विमिंग पूल का भी प्रोविज़न बहुत बढ़िया किया हुआ है। ये इसका स्विमिंग पूल है, किड्स और एडल्ट दोनों के लिए ही है। और ये मैं आपको यहाँ से बीच से खड़ा होकर एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ किस टाइप का सोसाइटी ने मेंटेन किया है इस कॉम्प्लेक्स को। चारों तरफ ओपन स्पेस है 4-व्हीलर 2-व्हीलर के पार्किंग के लिए, और बीच में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन एरिया वगैरह सब कुछ दिया है इन्होंने। ये एमपी थिएटर और किड्स प्ले एरिया है। और ये ओपन स्पेस है पार्किंग के लिए, और ये जॉगिंग ट्रैक है जहाँ पे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स के लिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये इसका बैक साइड का ओपन स्पेस है जहाँ पे 2-व्हीलर और 4-व्हीलर पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है। जनरली बिल्डर इतने में तो कंस्ट्रक्शन करके कई बिल्डिंग बना देते हैं, बट
इनका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल ही ऐसा है, इतना बड़ा लैंड होने के बाद भी इन्होंने इतना ओपन स्पेस रखा है इसमें। आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बात करूँगा कि इसमें बिल्डिंग में कैसे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा। पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा है। ये टू व्हीलर का स्पेस है, ये आप देखें तो पार्किंग भी इसमें